दोस्तों, किसी की सलाह से रास्ते तो जरूर मिलते हैं, पर मंजिल तो खुद की ही मेहनत से मिलती है। इसी के साथ मैं हूं दिनेश यादव, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पार्टन्स लर्निंग मीडिया पर। जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो लेक्चर में केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री कहाँ से प्रोड्यूस हुआ, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके एप्लीकेशन इंडस्ट्री में क्या है, ये सब चीज़ों को पढ़ा था। और एक हम लोगों ने फ्लो चार्ट देखा था, जिस फ्लो चार्ट में हमने यूनिवर्स को बताया था, यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ अ टू पार्ट, मैटर एंड एनर्जी, एंड मैटर फर्दर क्लासिफाइड इनटू फिजिकल एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड लिक्विड गैस लिया था, केमिकल क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने क्या लिया था, प्योर सबस्टेंस एंड इम्प्योर सबस्टेंस। इम्प्योर सबस्टेंस को मिक्सचर भी बोला था, मिक्सचर जो दो टाइप के होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। प्योर सबस्टेंस भी दो टाइप के होते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट तीन टाइप से अपने रिप्रेजेंट किए जाते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। और कंपाउंड्स दो फॉर्म में होते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि देखिए अभी क्या है ना कि अपने YouTube पे अभी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नहीं जुड़े हुए हो, तो अभी छोटी छोटी वीडियोस जा रही हैं। जब काफ़ी सारी डिमांड और कमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा कि सर हम 11th क्लास के और हम लगातार कंसिस्टेंसी से वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, तो मैं पक्का प्रॉमिस करता हूँ कि आपका सिलेबस भी उसी तरीके से दौड़ना स्टार्ट हो जाएगा जिस तरीके से 12th का चल रहा है। ठीक है, तो आज हम छोटे छोटे वीडियोज अभी लेके आ रहे हैं आपके लिए। और जिस दिन आपकी कमेंट आना स्टार्ट हुई कि सर हम लोग काफी अच्छी तरीके से कंसिस्टेंसी से वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, तो अब आप वीडियोज थोड़ा मैं लेंथी भी करना स्टार्ट कर दूंगा। चलिए देखते हैं छोटी छोटी बातें। पहले मैं बात करता हूं यूनिवर्स। तो यूनिवर्स मैंने कहा था, यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ अ टू पार्ट, मैटर एंड एनर्जी। तो मैं बात करता हूं मैटर की, किसकी, या मैं आपको बताता चलूं, जैसे कल मैंने बताया था यूनिवर्स, तो आप लिख सकते हैं कि यूनिवर्स में क्या हम बोल सकते हैं कि यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ अ टू पार्ट, मैटर एंड एनर्जी। अब मैं एनर्जी, क्योंकि यहां पे हमारे में एनर्जी का एक छोटा सा पार्ट है, क्योंकि एनर्जी का जो चैप्टर आप लोग 10th में पढ़ के आते हैं वर्क एनर्जी करके, तो वहां पे आपने फिजिक्स में पढ़ लिया होता और काफी सारी चीजें और पढ़ेंगे, पर एनर्जी तो अपने केमिस्ट्री में भी कहीं ना कहीं यूज होता है। ठीक है ना, हर जगह यूज हो जाता है, ये तो मैथ में भी यूज होता है, डायनामिक्स वगैरह। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे एनर्जी। तो एनर्जी क्या होती है, किसी भी काम को करने की जो क्षमता होती है, वो कार्य करने की क्षमता को हम लोग बोलते हैं ऊर्जा। क्या मतलब है इसको, अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो छोटी सी डेफिनेशन आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एनर्जी। और एनर्जी में हम लोग क्या लिख सकते हैं, द एबिलिटी टू डू वर्क, द एबिलिटी टू डू वर्क, या द कैपेसिटी ऑफ द वर्क डन, ऐसे भी लिख सकते हैं, कैपेसिटी ऑफ द, कैपेसिटी ऑफ द वर्क डन। थोड़ा सा जल्दी से इसको समझ लें, वैसे इसका पार्ट आगे जहां पे भी आएगा मैं इसके बारे में बात कर लूंगा। जैसे हम क्या करते हैं, दो तरीके से एनर्जी अपने पास, या तो रिलीज करते हैं बॉडी में या एब्जॉर्ब करते हैं। कैसे, जैसे मान लो मैं सुबह उठता हूं, अगर मैं कुछ वर्कआउट करता हूं तो क्या होगा, उससे हमारी एनर्जी बॉडी से रिलीज होगी, बॉडी रिलीज होगी तो वहां से बॉडी के अंदर की जो एनर्जी है वो कम होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो उस एनर्जी को हम लोग वहां पर क्या बोलते हैं, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है, तो सिस्टम से जब एनर्जी रिलीज होती है तो ये एक्सोथर्मिक होता है। और जब सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे मेरे को उसके बाद वर्कआउट करने के बाद मैं कुछ ना कुछ खाऊंगा, खाते वक्त भी मैं वर्क करूंगा, भाई स्वयं से तो मैं वो खाना खा नहीं सकता हूं कि मैं किसी तरीके, मैं कुछ ना कुछ कार्य करता हूं ना हाथ से, कुछ ना कुछ मैं जो भी मुझे खाने के लिए मिलता है वो मैं खाऊंगा। ठीक है, तो इस जगह पे क्या है, जब सुबह मैंने नाश्ता किया, ब्रेकफास्ट वगैरह, या मैंने लंच किया, तो उसको करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, खुद से वर्क करना पड़ा। ठीक है, तो मेरे अंदर एनर्जी स्टोर हुई। और जब सुबह मैंने मान लो वर्कआउट किया, मान लो घर में आपके पौधे लगे हुए हैं, उसमें आपने कटिंग करना स्टार्ट किया, जो भी पानी लगाना स्टार्ट किया, कुछ भी झाड़ू लगाते होगे घर पे, है ना, कुछ भी करते होगे, जैसा भी आपके पास काम मिलता होगा आपको। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, आप उस दौरान कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करते हो, थकान महसूस करते हो। तो एनर्जी दो टाइप से आप पढ़ते होगे आगे की ओर, कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। जब सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, स्टोर करता है, तो दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव, और एक्सोथर्मिक जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है वो होती है नेगेटिव। क्योंकि एनर्जी की बात बढ़ती जाएगी तो ये लेक्चर थोड़ा सा अलग हटके चला जाएगा, वो चीज मैं थर्मोडायनेमिक्स में डिस्कस करूंगा कि एक्चुअल में गिब्स एनर्जी क्या है। ठीक है ना, क्यों एंडोथर्मिक के लिए पॉजिटिव होती है और एक्सोथर्मिक के लिए नेगेटिव होती है। तो ये पार्ट मेरा यहीं तक है। ठीक है, मैं यहां से बात कर रहा हूं मैटर की, जो इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, तो आप लोग हेडिंग डालें मैटर। अब मैटर की मैं बात कर रहा हूं, मैटर भी आप लोग बचपन में पढ़ के आए, 9th क्लास का चैप्टर ही यहां से स्टार्ट होता, मैटर इन अवर सराउंडिंग। ठीक है, तो ये भी ऐसे ही लिख लो, एनीथिंग दैट इज, छोटी छोटी बातें हैं, एनीथिंग दैट हैज ऑक्यूपाई ऑक्यूपाइज स्पेस
एंड हैविंग मास। मतलब क्या है? ऑल द थिंग्स विच वी सी और फील अराउंड अस। अपने चारों तरफ जितनी भी चीजों को हम देख सकते हैं या फील कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, एनीथिंग दैट इज ऑक्यूपाई स्पेस एंड पॉसेस मास या हैविंग मास। जैसे मैंने एक नोट में एक चीज आप लिख सकते हैं, ऑल द थिंग्स विच वी सी और फील अराउंड अस। अब कौन कौन सी चीज होती है, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स भी लिख लें। एग्जाम्पल्स की मैं बात करूं तो एग्जाम्पल्स आप जानते हैं, जैसे अपने सबसे ज्यादा एयर को हम लोग क्या करते हैं, देख नहीं सकते पर फील तो कर सकते हैं, तो एयर इज द एग्जाम्पल ऑफ मैटर। एंड वॉटर इज द एग्जाम्पल ऑफ मैटर। और बताइए, और एग्जाम्पल बताइए, जैसे प्लांट्स, ठीक है, एनिमल्स, पेन, नोटबुक, बुक, चेयर, टेबल, सैंड, स्टोन, आइस, स्टील एंड ईटीसी। यार बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो मैंने पहले ही बता दिया, एनी थिंग दैट इज ऑक्यूपाई स्पेस एंड पॉजेस मास। घर में चेयर होगी, टेबल होगी, आप खुद एक बॉडी में आपके में कुछ ना कुछ मास ऑक्यूपाई आप करते हैं और कुछ स्पेस भी कवर करते होंगे। ठीक है ना, चींटी भी ले लो तो वो कहीं चलती है तो क्या करती, कुछ ना कुछ स्पेस कवर करते हुए चलती है और उसमें भी कुछ ना कुछ मिलीग्राम में कुछ मास होता है। ठीक है, तो ऑल द थिंग्स विच वी कैन सी और फील अराउंड अस, ठीक है, तो वो क्या होगा, मैटर। मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट हैज ऑक्यूपाई स्पेस एंड पॉजेस मास या हैविंग मास। अब मैं बात करता हूं फिजिकल नेचर की, तो अगली हेडिंग डालेंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। ठीक, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, तो बताइए मैटर की फिजिकल नेचर, हम लोग किससे किससे मैटर की क्या क्या प्रायोरिटी आप जानते प्रॉपर्टी। तो पहले तो मैं ये फिजिकल क्लासिफिकेशन नहीं लिखा है, फिजिकल क्लासिफिकेशन सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में देख जानेंगे, पर यहां पे फिजिकल नेचर है। तो फिजिकल नेचर में हम लोगों को पढ़ना, तो पहली बात तो ये है कि मैटर इज मेड अप बाय टिनी पार्टिकल्स। पहला हम पॉइंट क्या लिख लेंगे कि मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स। ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। दूसरी चीजें इनको ही पढ़ेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स, एटम, मॉलिक्यूल, ये सब चीजें हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, डिस्कस करेंगे। मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल, मतलब बहुत छोटे छोटे कण, छोटे छोटे पार्टिकल। और बताइए, द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है, अगर मान लो, सपोज करो मैंने एक गिलास लिया, ठीक है ना, अब मेरे यहां का गिलास समझ लेना ऐसा है, मेरी ड्राइंग नहीं अच्छी है तो ना तुम उसको लेके चलो, और मान लो यहां पे मैंने यहां पे क्या ले लिया, वाटर, और मैंने यहां पे क्या किया, मैंने यहां पे कोई भी सॉल्ट ले लिया, स्पून भर के एक सॉल्ट लिया, और मैंने देखना चाहा कि क्या मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें स्पेस होता है नहीं होता उनके बीच में। तो इसको देखने के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल है घर का, कि आप क्या करेंगे, एक गिलास में, जग में, जो भी चीज आपके घर पे है, बाल्टी है, जितना भी आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए बर्बाद करना वो तो आप पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना, घर पे कितनी सामग्री है, लॉकडाउन चल रहा है ना, मम्मी को मालूम पड़ा ना तो झाड़ू मारेंगी। अब यहां पे देखो, छोटा सा एग्जांपल तो कर सकते हैं हम लोग, आज ही करना, घर पे क्या लेना है, गिलास लेना, करते तो हैं पर ऑब्जर्व नहीं करते, बस यही करना है। ठीक है, तो हम लोगों क्या करना है, गिलास ले लो, मग ले लो, कुछ भी ले लो, उसमें क्या करना, चीनी या सॉल्ट को डाल के देखना, और अगर जहां तक आपने फुल गिलास लिया या जो भी लिया, अगर मान लो फुल गिलास भरा हुआ है जो भी है, और आपने इसमें क्या किया, चीनी मिलाना स्टार्ट किया और मिक्सचर बनाया, मिक्सचर का मतलब होमोजेनियस मिक्सचर, क्या सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है जिसमें यूनिफॉर्मली थ्रो आउट हो जाएगी चीनी, सॉल्ट या चीनी, यूनिफॉर्मली थ्रो आउट का मतलब एक समान रूप से घुल जाएगी।
अब क्या होगा, फिर आप चेक करना जहां तक वो पहली अबव लेयर थी, क्या उससे पानी का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ या रिमेन कांस्टेंट, उतना ही रहा, तो आप पाएंगे कि वो रिमेन कांस्टेंट, ना बढ़ेगा ना घटेगा। इसका मतलब वो चीनियां जो सॉल्ट लेके चले थे वो कहां गया, जो पार्टिकल्स उनके बीच का जो स्पेस था उसने वो कवर कर लिया। ठीक है, इससे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या करते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या करते हैं बताइए, कॉन्टिन्यूसली क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, आर कॉन्टिन्यूसली, कॉन्टिन्यूअसली मूविंग, कॉन्टिन्यूसली मूविंग करते हैं। ये कैसे पता चलेगा मूव करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या करोगे, टंकी लो, पानी चला लो, उंगली बीच में लगाओ, क्या करेगा, जो पानी की धार होगी टंकी से निकलेगी वो क्या करेगी, उंगली पे टकराएगी और जो धार गिर रही है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी वो धार, और फिर नीचे जाके देखोगे वो धार फिर एक तरीके से मिल जाएगी। इसका मतलब क्या है कि, और एक चीज़ ध्यान रखना कि जो पार्टिकल्स होते हैं उन मैटर के अगर पार्टिकल्स हैं तो लगातार क्या करेंगे, आप सीधी सी बात ऐसे ही समझ लो यार, सॉलिड में मूवमेंट कम होगा, लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा होगा और गैस में सबसे ज़्यादा होगा। भाई आप जानते हो ना कि सॉलिड के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, क्लोजली पैकिंग में होते हैं, लिक्विड की अपेक्षा ज़्यादा होते हैं, गैसेस की अपेक्षा और ज़्यादा होते हैं, और गैसेस में सबसे लूजली पार्टिकल्स बॉन्डिंग होती है, तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा मूविंग किस में होगी, किस स्टेट में होगी, गैसेस स्टेट में, सबसे कम किस में होगी, सॉलिड में, और इंटरमीडिएट मध्यावस्था में कौन रहेगा, लिक्विड, सिंपल चीज़ है। चलिए अगला, अगर मैं बात करूं, ये कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3, तो अगर मैं बात करूं तो पार्टिकल्स जो होते हैं आप लिख सकते हो, द पार्टिकल्स किसके हैं, मैटर के, ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल का मतलब समझ गए, बहुत ही छोटे, यहां भी लिख चुका हूं मैं टिनी पार्टिकल्स, कभी कभी मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स भी लिख लेते हैं, अगर यहां मैं पार्टिकल्स चलाता तो यहां पे एक पॉइंट और हम बढ़ा सकते थे, ये पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं, वो पार्टिकल का साइज कैसा होता है, बहुत ही छोटा, तो टिनी पार्टिकल, अगर इन पॉइंट को एक में कंप्लीट करना चाहो तो अपनी चालाकी होती, पॉइंट्स कैसे बढ़ाए जाए, तो हाँ टिनी पार्टिकल्स आप लिख सकते थे। और बताइए और क्या लिख सकता हूं मैं यहां पे, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या करते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या बोल सकता हूं, एक और पॉइंट बनाते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर क्या करते हैं, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब अट्रैक्ट करने वाली अगर बात है तो अभी मैंने समझाया था, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया गिलास में कुछ सॉल्ट देखे, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कि सॉलिड लिक्विड गैस में, क्योंकि मैटर के तीनों स्टेट होती हैं, सॉलिड फॉर्म में होगा या तो मैटर या सब्सटेंस लिक्विड फॉर्म में होगा या गैसेस फॉर्म में होगा, अब मूवमेंट्स ज़्यादा किस में होगा, गैसेस में उससे कम, लिक्विड में उससे कम, सॉलिड में क्या होता है वो अपनी मीन पोजिशन के अराउंड पार्टिकल्स क्या करते हैं, जिगजैग वे में, या पार्टिकल्स क्या करते हैं बोल सकते हैं वाइब्रेट करते हैं, वो सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक में बताऊंगा, सॉलिड में सबसे कम होता है पर वो भी होता है तो अपनी मीन पोजीशन के अराउंड करते हैं, गैसेस में सबसे ज़्यादा होता है, यहाँ पे पार्टिकल वेरी स्मॉल। अब यहाँ पे जो मैंने अभी टंकी वाला एग्जांपल दिया था कि टंकी में धार के सामने आपने उंगली लगाई और धार दो पार्ट में डिवाइड हुई और धार जब दो पार्ट में डिवाइड हुई तो वहाँ पे जाए भाई कोई टंकी ली उसमें से पानी निकल रहा है और आपने यहाँ पे जाके उंगली लगा दी तो यहाँ से पानी अभी गिर रहा था, अब ये पानी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, थोड़ी इतनी दूर डिवाइड नहीं होगा कि मालूम पड़ा इधर उधर गिरने पड़े, ठीक है, और थोड़ी दूरी पे लगाना आपको उंगली और आप देखेंगे कि यहां पे जाते हुए ये पानी इस तरीके से निकलना स्टार्ट हो जाएगा, इस तरीके से निकलना स्टार्ट हो जाएगा, और थोड़ी देर बाद जाए देख के आप देखेंगे कि यही पानी वापस से यहां से वापस से मिला, अगर ये यहां पे ब्रेक हुआ था दो पार्ट में दो डायरेक्शन में तो क्या हुआ, यहां पे जाके वापस से फिर से नीचे जब पहुंचा तो एक ही डायरेक्शन में आया, इसका मतलब क्या, अगर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते तो अलग अलग चले जाते, सबसे अच्छा घरेलू एग्जांपल है कि नहीं है, अरे बताइए, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया,
अब क्योंकि छोटी वीडियोस की मैंने बात की, जब तक कि आप लोग बहुत सारे लोग कमेंट करके नहीं बताएंगे कि सर ज़्यादा आप थोड़े थोड़े बढ़ा के वीडियो बनाइए, तब तक मैं इतना ही रखूंगा। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, इसके बाद हमें फिजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ना, फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड लिक्विड गैस की डेफिनेशंस पढ़नी है, छोटी क्लासेस में क्या थी, बड़ी क्लास में क्या डिफरेंस है और उनके आपस में कैरेक्टरिस्टिक में क्या डिफरेंस होता है, उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देखने हैं अच्छे अच्छे और वहाँ पढ़ने के साथ साथ हम उसके केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ना है। केमिकल क्लासिफिकेशन को पढ़ते हुए इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिजिकल क्लासिफिकेशन पे पहुँचेंगे, नेक्स्ट वीडियो में केमिकल क्लासिफिकेशन, इस तरीके से हम पढ़ते रहेंगे। अगर आप लोगों की कमेंट आती है कि 11th क्लास में सर जितने भी 10th में अभी पास हुए हैं बच्चे, ठीक है, चाहे वो बेहतरीन मार्क्स से हुए थोड़े कम मार्क्स से हुए हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रिजल्ट मायने नहीं रखता, नॉलेज मायने रखती है हमेशा। तो आप लोग जैसे जैसे ज़्यादा कमेंट आना स्टार्ट करेंगे लाइक, तो ध्यान रखना, और जो आपके फ्रेंड सर्किल में हैं और क्योंकि वो नीडी है, क्योंकि फ्री अभी चल रहा है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, उन्हें शेयर भी कर सकते हैं अगर किसी की आप मदद करेंगे। जब मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ कि कौन आप मेरे को पढ़ रहा है, जब मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ तो आप क्यों नहीं, ठीक है। तो आपका क्या अगला स्टेप है वो आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप अपने जितने फ्रेंड सर्किल में हैं उनके पास पहुंचाते कि सर ने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, और आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लें चैनल को, स्पार्टन्स लर्निंग मीडिया को, प्रेस द बेल आइकन जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे, ठीक है। तो इसी तरीके छोटी छोटी वीडियो अभी आती रहेंगी, और कल से जिन बच्चों को इसमें और सीखना है, मान लो मैटर के अंदर, क्योंकि 9th में चैप्टर था, मैटर के अंदर या जो भी चीज़ें ज़्यादा सीखनी 9th हाई स्कूल से रिलेटेड हो, या बोल सकते हैं कुछ इंटरेस्टेड टॉपिक हो, वो जल्द ही अपने पास केमिस्ट्री खजाना करके एक और अपने स्पार्टन्स लर्निंग मीडिया पर डेली 5 से 10 मिनट की वीडियो आया करेगी, वो भी आप देखना ना भूलें, ठीक है। तो इसी के साथ स्वस्थ मन से पढ़ते रहें और अगली वीडियो का फिर इंतजार करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।